तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने अपने कैरेक्टर का जो है यहाँ पे नीचे कैसे लेटाया है, तो वही मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस कैरेक्टर को जो है नीचे लेटाया है, मतलब नीचे बैठाया है, नीचे गिराया जो भी कह लो। तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो वही मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत भी स्किप करोगे तो आप लोग नहीं जान पाओगे मतलब कैसे इसको क्या कर जो भी सिस्टम है इसको कैसे करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आज की वीडियो में कि इसको मैंने किया क्या अच्छा, तो वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले भाई लोग ये मेरी स्प्लेंडर थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है, इसको अपन अपने वाली गाड़ी जो होती ना जिसको अपन मॉडिफाइड करके चलाते हैं, आपने मेरी शॉर्ट वगैरह में देखा ही होगा वैसे बनाते हैं, ऐसे में मज़ा नहीं आता। अपन ऐसे नहीं चलाते, अपन डालते इसमें चौड़े चौड़े टायर टार, मतलब देख रहे हो। अब डालूंगा मैं इसमें कोई से बढ़िया से अलॉय जिससे गाड़ी के लुक निकल के आएगी एकदम प्यारी सी, एकदम बहुत प्यारी। कहाँ गए अपने वो वाले प्यारे वाले अलॉयज और अलॉयज कहाँ गए जो अपन डाल के चलाते भाई, जिससे निकल के आएगी अपनी गाड़ी की एकदम प्यारी सी लुक। हाँ ये रहे, अब जरा अपन चलते और आप देख रहे हो भाई गाड़ी की क्या लुक निकल के आ रही है। अब जरा एक व्हीली भी मार ही देते हैं। ये भाई सिस्टम है भाई अपनी गाड़ी का, अब लग रहा है ना कि यहाँ कुछ स्प्लेंडर है भाई मॉडिफाइड सी। तो अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले भाई आप सभी को जो है कोई सी भी बाइक ले लेना है, बुलेट RX 100 जोन सी भी लेनी है। अब जरा हॉर्न वगैरह भी लगा लेते हैं और यहाँ से आप लोग जो है कलर मतलब लाइट वगैरह भी लगा सकते हो। तो आपको शायद पता ही होगा भाई मॉडिफिकेशन वाला, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कुछ तरीके से जो है भाई लोग कलर वगैरह लगा सकते हैं, मतलब लाइट लगा सकते हैं अपनी बाइक के टायर में। बस ये बाइक वगैरह में वर्क करता भाई, ट्रैक्टर और कार में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं है अभी मॉडिफिकेशन ही है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, कोई भी ऐसी घर वगैरह के पास चलना आना है, बस गाड़ी को ठोकना है ना। तो देख सकते हो आप जैसे कि भाई मैं स्पीड में जा रहा हूँ और यहाँ पर जाके जो है भाई मैंने ये जैसे ही ये बंदा गिरे तभी आप सभी को स्पाम पे क्लिक कर देना है, कोई भी मतलब व्हीकल स्प्लेंडर है बुलेट है आर एक्सेस पे। तो वहाँ से जो बंदा गिरेगा वो आप सभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से गिर जाएगा, तो फिर जो है आपको जो है ऐसा कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो वो जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे लेट जाएगा आप सभी जैसे कि देख सकते हो, ये मैंने पहले गिरा था और ये मैंने अभी गिरा था। तो कुछ इस तरीके से जो है भाई लोग आप लोग अपने कैरेक्टर को जो है बाइक से गिरा के अलग कर सकते हो, मतलब लेटा सकते हो। अब देखो मैं धीरे वाली धीरे से करूँगा तो भाई ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी स्पीड में, जैसे मैंने स्पीड में किया वैसी होगी है ना। तो आप सभी को बता दो भाई स्पीड में ही करना ये जब भी आप करो। तो अब मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ जिससे आप बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ट्रैक्टर को ट्रॉली से कैसे अलग कर सकते हो और अपने ट्रैक्टर की एंट्री करने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है। कैजुअल है भाई, और भाई बेचारे कैरेक्टर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे रहा हूँ लेकिन उसे तो क्या ही होगा। और जरा अपने ट्रैक्टर को भी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें यार, तो लगना चाहिए ना कि हाँ भाई कुछ चीज़ है, कोई सिस्टम वाला है ट्रैक्टर है। आज मेरे मुँह से मारो सिस्टम निकल रहा है। और हाँ भाई लोग अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3DM का काफ़ी तगड़ा न्यू अपडेट आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। उसमें मतलब स्टिकर वगैरह भी आने वाले हैं, अपन ट्रैक्टर पे लगा सकते हैं, डीजे पे, कार पे, कार के शीशे वगैरह में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं और गैराज वगैरह भी आ रहे हैं सुनवाई में आ रहा है। तो अगर आप लोगों के उस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो तभी डालूंगा जब आप लोग इस वीडियो के ऊपर 15 लाइक कैम कम्प्लीट करोगे। तो फटाफट इस वीडियो पर 15 लाइक कैम कम्प्लीट करो तब मैं डालूंगा भाई वो वीडियो। यार मेरी भी कुछ शर्तें हैं यार, मेरे को भी लगता है कि मेरी ऑडियंस कुछ करे। हाँ तो आप सभी को सिंपल इसे ट्रॉली या थ्रेशर कुछ इस तरीके से ले लेना है। अब जैसे मैंने किया वैसे करना है। अरे यार गलती कर दी मैंने, रुको। थ्रेशर जो है मैंने थ्रेशर को मुझे अलग करना है ट्रैक्टर से, तो यहाँ से जो है मैं अपने ट्रैक्टर पर जाऊँगा और यहाँ से जाके इसको यहाँ से हटा दूँगा और ये राइट का ऑप्शन हटा दिया। तो अब देखो भाई लोग मेरा जो ट्रैक्टर है वापस से टिक कर दूंगा ना, तो अब जो मेरा ट्रैक्टर है भाई लोग वो हो चुका है जो थ्रेशर है उससे बिल्कुल अलग। अब ऐसे मैं अपने ट्रैक्टर के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। देख सकते हो भाई कितना तगड़ा लग रहा है बिना थ्रेशर के। अरे ये तो AI वाला ट्रैक्टर है, वो देख लो भाई ट्रैक्टर दूर है वरना तुम समझो कि ट्रैक्टर लगा हुआ है, ट्रैक्टर तो खड़ा ही है भाई बगल में उसके, खड़ा हुआ है लेकिन उससे अलग है। और मेरा गेम थोड़ा थोड़ा लैग होने लगा है, एक तो भाई मेरे पास ना अच्छा डिवाइस है ना अच्छी कुछ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए माइक है, इसलिए तो कहता हूँ भाई लोग जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब भाई मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच तो रहा था, अब मैंने अगले मतलब इस वाले संडे को लाइव भी करा फ्री फायर का, लेकिन भाई मैं जान रहा हूँ कि मैंने उस लाइव को कैसे किया। एक तो मेरे पास माइक नहीं, ऊपर से डिवाइस भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग भाई अपना लाइक सपोर्ट एंड जो भी सब्सक्राइब वगैरह जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई, जिससे मैं भी एक दिन अच्छा यूट्यूबर बन पाऊँ, आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम पर बातचीत कर सकूँ और भी चीज़ें कर सकूँ। तो इसलिए भाई अपना सपोर्ट दो आप लोग, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो मेरा गेम कितना लैग कर रहा है भाई सब, कितना मैं इसलिए इसे हटा दिया भाई। देख लो इस तरीके से आप लोग ट्रॉली या थ्रेशर जो भी उसको हटा सकते हो, मतलब अलग कर सकते हो अपने ट्रैक्टर से।
और हाँ भाई लोग, मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ ट्रैक्टर इन पे ही वर्क करती है। अब जैसे कि मैंने रोटर वेटर मंगवा लिया, ये अब रोटर वेटर में भाई सब ये सिस्टम है। अब देखो जैसे कि मैं ट्रैक्टर मंगा लेता हूँ दूसरा सामने की, और जिससे कि मैं आपको और अच्छे से प्रैक्टिकली करके बता सकता हूँ। अब देखो मैं जैसे ही आई ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थ्रेशर इसलिए साइड में हो गई क्योंकि मैंने यहाँ से टिक नहीं हटाया था। तो मैं यहाँ से स्टिक को हटा दूँगा। हट गई है ना। तो अब ये रोटर वेटर में नहीं है भाई, उधर भी टिक है, इधर भी, उधर से टिक हटा दूँगा तो डायरेक्ट रोटर वेटर ही हट जाएगी। ये चीज़ मतलब एम्प्लीमेंट वगैरह में वर्क नहीं करती है, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गई, इनमें ही वर्क करती है और एक सेक्टर चीज़ में वर्क नहीं करती, मैंने इसलिए आपको बता दिया, नहीं तो भाई तुम खामखा परेशान होते। तो हाँ भाई लोग, जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और न्यू अपडेट के ऊपर वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप इस वीडियो के ऊपर 15 लाइक एम कम्प्लीट करोगे। तो कैसे मिलते हैं आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में, जब तक।